ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे महामई यानी मंथ मई, मई का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि में प्रकटित होंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो परिचित नाम से देख लीजिए। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या एजुकेशन, तरक्की उन्नति, आपके शत्रुओं की स्थिति, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, विदेश यात्राएं, तरक्की उन्नति, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अंत में चूंकि हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, वह श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होती है और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होते हैं। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं, 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध मेष राशि में ही संचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके वृषभ राशि में रहेंगे लेकिन 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि कुंभ राशि में रहेंगे, राहु मेष में और केतु तुला में, आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मेष राशि वाले जातकों के ऊपर मई का महीना यानी मंथ में 2023 कैसा रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, यहाँ पर चार ग्रहों का जमावड़ा है। चार ग्रहों का जमावड़ा इन द सेंस कि सूर्य वहाँ संचार कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, वहीं पर राहु है, सूर्य राहु साथ रहते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। वहीं पर बुध भी संचार कर रहे हैं, बुध आदित्य योग भी बनता है, और देवगुरु बृहस्पति भी संचार कर रहे हैं तो वहाँ पर गुरु चंडाल दोष भी बनता है। यानी तीन योग आपकी कुंडली में यहाँ पर घटित हो रहे हैं। यहाँ बुध आदित्य योग का जो एक अच्छा योग है उसका आपको बहुत शुभ फल यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बुध आपके यहाँ पर षष्ठेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं, इसलिए बुध यहाँ बहुत अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन सूर्य संभवतः थोड़े आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या रहेगा, मिश्रित प्रभाव आपके रहेंगे। शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा लेकिन बीच बीच में गड़बड़ा भी सकता है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध की अवस्था, कन्फ्यूजन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, कार्य करने की शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर आपकी स्ट्रांग तो रहेगी लेकिन समय समय पर थोड़े आप विचलित भी हो सकते हैं। तो धैर्य और संयमता का परिचय दें, कोई भी निर्णय जल्दबाजी मत लें और अपने हेल्थ के प्रति भी थोड़े सजग रहें। परिवार फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ जो स्थिति आपकी बन रही है बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि 15 को वहाँ पर सूर्य भी आपके तो प्रवेश करेंगे, 2 तारीख को वहाँ से शुक्र भी जो स्वग्रही थे ट्रांसलेट कर जाएंगे। यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनेगी, परिवार वालों के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी, और थोड़ा सा यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है भविष्य के लिए फिलहाल आप निवेश करने से बचें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो क्रोध और उत्तेजना से बचें, अपनी वाणी के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करें, बोलचाल ठीक रखें, नहीं तो आपका माहौल परिवार के बीच में ख़राब हो सकता है, आपका नाम भी खराब हो सकता है। तो मित्रों आगे बढ़ जाते हैं तो लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से लाभ मिलेगा, जो भी निगेटिव थॉट्स चल रही थी नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में तब्दील होंगी, छोटे भाई बहन मित्र और सहकर्मी पड़ोसी वेलविशर मिलने जुलने वाले लोग उनसे नए संबंध नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, उनसे आप लाभ गेन करेंगे, उनके बीच में आपका पराक्रम आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो मित्रों मंगल यहाँ पर 10 तारीख को अपने कर्क की नीच राशि में प्रवेश करेंगे। 10 तारीख तक तो आप कोई निर्णय ले सकते हैं लेकिन 10 तारीख के बाद भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, नहीं तो आप फंस सकते हैं, अटक सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है और आपको कोई नुकसान हो सकता है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई धंधा सेल्स परचेज का कर सकते हैं तो वहाँ से भी थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। घर अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई व्यर्थालाप व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट उनसे मत करें, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। घर में समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, आपको थोड़ी पेट की या बैक पेन जॉइंट पेन इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है। संतान की तरफ से भी कोई कष्ट कोई चिंता परेशानी हो सकती है।
लेकिन संतान पक्ष को लेकर कोई खुशखबरी गुड न्यूज़ मिलेगी 15 तारीख तक स्थिति अच्छी है, आपकी संतान को नेम फेम मिलेगा, यशमान सम्मान, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, कोई विवाह शादी के संबंध बनेंगे और विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति रहेगी 15 तारीख तक। कोई मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति विपरीत हो सकती है, संतान पक्ष को लेकर चिंता, टेंशन, परेशानी, उनके कोई विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम या उनसे मतभेद, डिफरेंसेस, या उनकी विद्या, एजुकेशन, नौकरी, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम, विद्यार्थी वर्ग के लिए इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो महिलाएँ प्रेगनेंट हैं अपनी प्रेगनेंसी की तरफ थोड़ा ध्यान रखिए, देन थोड़ा गर्म चीज़ों का सेवन से बचें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं का दमन होगा और साथ में नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कर्जे बीमारी से जूझ रहे हैं वहाँ से आपको राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, वाद विवाद की स्थिति, कोर्ट कचहरी से निकलकर, घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं, डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित रह सकते हैं, यानी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, आप विवाहित हैं तो एक दूसरे के प्रति संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है, कोई चिंता टेंशन क्रिएट हो सकती है। नए विवाह शादी के संबंध कहीं बनने जा रहे हैं उनमें कोई व्यवधान, कोई रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में धोखा, चिटिंग या प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं। बिजनेस मैन या व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान मिलेगा। अचानक से चोट, फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, अग्नि से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। बिजनेस को लेकर स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके तो आपके पक्ष में रहेगी। आप आजीविका चलाने के लिए बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई बड़ा बदलाव, कोई चेंजेस लाना चाहें ला सकते हैं, नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी कर सकते हैं, बिजनेस में कोई तब्दीली करनी, इंक्रीमेंट्स करने, वृद्धि करनी, विस्तार करना आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाभ गेन करेंगे, जितना प्रयास, जितना पुरुषार्थ, मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं तो आपकी लंबी दूरी की यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा। आप विदेशों की यात्राएं, आपके संपन्न होंगे, रुकावट, व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे। पिता का भरपूर लाभ, सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, जो रुकावट, व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे। करियर व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि मंगल की वहाँ पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है, यह एक अच्छी स्थिति है आपके फेवर में है। 10 तारीख के बाद अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत बने हुए, उनको रुकावटें, व्यवधान आ रही थी दूर होंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट से होगा, आप यहाँ पर गेन करेंगे। जो जातक विदेशों में, उनके लिए भी स्थिति आपके लिए फेवर में रहेगी। तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेश आते जाते हैं, नए संबंध है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुकावट, धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार लगन कुंडली, जन्म कुंडली का आप विश्लेषण जरूर करा लें। दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम सामने आते हैं। अगर मेष राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तब संभवत है यहाँ पर आपको ये जो मई का महीना आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवत है थोड़े आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, कुंडली का विश्लेषण जरूर करें। उपाय के तौर पर श्रद्धापूर्वक आप ओम गंग गणपत्य नमः 108 टाइम्स और एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, साथ में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें और साथ में हनुमान जी को मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।